एमपी में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भगवान हनुमान सियासी मैदान में उतरे, लेकिन अब शंकर भगवान की भी सियासी मैदान में एंट्री हो गई है। सिवनी के बरघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने शंकर भगवान को ही आदिवासी बताया। विधायक ने कहा कि समुद्र मंथन से जो जहर निकला था उसे किसी और ने नहीं शंकर भगवान ने पिया, और भगवान शंकर आदिवासी थे। कुछ दिनों पहले विधायक अर्जुन सिंह ने बजरंग बली को आदिवासी बताया था। मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला, अमृत निकला। अमृत तो होशियार लोगों ने पी लिया, अब जहर बच गया। उस जहर का क्या करें? तो उस जहर को भी किसने पिया, किसने पिया? हिमालय में रहने वाले भोले भंडारी। और भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं, आज हर किसी की जबान में तो है। किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान दिया। तो भगवान शंकर को ही आदिवासी बता दिया। कहा कि किसने पिया? भोले भंडारी ने पिया। और भोले भंडारी जैसे आदिवासी भोले हैं, वैसे ही भोले भंडारी हैं। और ऐसे कनेक्ट करके उन्होंने भगवान शंकर को ही आदिवासी एक प्रकार से बता दिया। इसके पहले बजरंग बली को भी वो आदिवासी बता चुके हैं। तो अब सियासत जाहिर है, चुनाव सामने है, और आदिवासियों को लेकर भी सियासत खूब होनी है। आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में तो, और ऐसे में अब भगवान की एंट्री कैसे साधा जाए आदिवासियों को, इसको लेकर तमाम तरीके के टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी कि सियासत में भोलेनाथ की एंट्री करा दी गई। बजरंगबली की हुई थी, कर्नाटक में भी हमने देखा कि बजरंगबली की कैसे एंट्री करा दी गई थी। अब मध्य प्रदेश में पहले बजरंगबली की एंट्री कराई, उनको भी आदिवासी बता दिया। भोले भंडारी भी आदिवासी थे, यह हम नहीं कह रहे हैं, अर्जुन सिंह काकोड़िया जो विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से वो कह रहे हैं। फिर से सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला, अमृत निकला। अमृत तो होशियार लोगों ने पी लिया, अब जहर बच गया। उस जहर का क्या करें? तो उस जहर को भी किसने पिया, किसने पिया? हिमालय में रहने वाले भोले भंडारी। और भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं, आज हर किसी की जबान में तो है। किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस मसले पर। अर्जुन सिंह काकोड़िया का यह बयान पंकज जी आपने सुना होगा, कैसे वो कनेक्ट कर रहे हैं, पहले हनुमान जी की एंट्री सियासत में, अब भोलेनाथ को भी आखिरकार सियासत में ला ही लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए पुनीत जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि जितना जनजाति वर्ग के लोग हैं वो सब भोले भाले लोग हैं, इसमें कोई गलत नहीं कहा अर्जुन जी ने। और भगवान श्री शंकर, यदि हम जनजाति वर्ग की बात करें, मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग की बात करें, तो उनके सबसे बड़े देवता का नाम है बड़ा महादेव, यानी भगवान प्रभु श्री शंकर। और हमारे आदिवासी यानी जो आदि काल से प्राचीन समय से, तो भगवान शंकर तो निरंतर है, आदि से अनंत तक है, आदि से अंत तक, अंत से अनंत तक भगवान प्रभु श्री शिव शंकर है, भगवान श्री विष्णु है, भगवान श्री ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये आदि अंत अनंत तक है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, हम तो कह रहे हैं कि सियासत में क्या भगवान की बात किए बगैर सियासत नहीं हो सकती है? अरे सर पुनीत जी, भगवान के बिना दुनिया नहीं चलती सर। और सियासत में यदि भगवान के नाम का स्मरण हो, भगवान के नाम का उल्लेख हो, प्रभु श्री शिव शंकर की महिमा का उल्लेख हो, और हम सब जानते हैं कि अमृत मंथन में जब विषपान का अवसर आया तो प्रभु श्री शंकर ने संकल्प किया और उन्होंने कहा कि मैं विषपान करूंगा और गरल का शमन करूंगा, गरल यानी विष का शमन करूंगा। बिल्कुल। और प्रभु श्री शंकर के गले में नीलकंठ कहा जाता है कि उनका पूरा शरीर नीचा पड़ गया। तो इतना त्याग तपस्या मानव जाति के लिए, देवताओं के लिए, सुरों के लिए, जो असुर होते हैं उसके विपरीत सुर होते हैं, उनके लिए प्रभु श्री भगवान शिव शंकर ने किया। तो हमारे सारे देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, यानी भगवान शिव शंकर, ये तो आदि से अंत और अंत से अनंत तक हैं।
और आगे भी थे, अभी पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। इनके आधार पर, इन त्रिदेव के आधार पर तो दुनिया टिकी है सर, ऐसी हमारी सनातन परंपरा मानती है। तो मतलब ये कांग्रेस विधायक जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आपको सही बात लग रही है? नहीं, मैं पुनीत जी ऐसा मानता हूँ कि यदि जहाँ ईश्वर का विषय है तो वो सियासत का विषय नहीं है, वो मतलब वो अलग बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही है, होना भी यही चाहिए, होता नहीं है कई बार। अजय सिंह यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं, व्याख्या आपने भी की है। अजय सिंह साहब, अर्जुन सिंह काकोड़िया साहब का विधायक हैं आपकी पार्टी के, उनका वीडियो एक सामने आया है, वो कह रहे हैं कि भोलेनाथ भोले भंडारी आदिवासी और भोलेनाथ एक ही तो हैं। देखिए, मैंने विधायक जी का बयान तो अभी तक नहीं देखा, अभी एक मिनट पहले सुनवा देता हूँ, पहले सुनवा देता हूँ, अगर नहीं सुना तो सुनना जरूरी है आपको, फिर कोई सवाल करेगा फिर आप यही कहेंगे, सुनवा दीजिए। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला, अमृत निकला, अमृत तो होशियार लोगों ने पी लिया, अब जहर बच गया, उस जहर का क्या करें? तो उस जहर को भी किसने पिया, किसने पिया? हिमालय में रहने वाले भोले भंडारी, और भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं, आज हर किसी की जबान में तो है। किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान। अजय जी क्या कहेंगे, सुन लिया आपने? देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि बयान मैंने नहीं सुना है, लेकिन उनने जो बयान दिया है वो पूरी तरह ठीक है। भगवान सभी वर्गों के होते हैं और सभी व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्थाओं का सवाल होता है ईश्वर में। तो जिस तरह से हमारे विधायक कह रहे हैं कि आदिवासी वर्ग अपने आप को भगवान शंकर के ज्यादा करीब पाता है, तो इसमें कहीं किसी को आपत्ति का सवाल नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानती है, उनको वनवासी मानती है, उनको आदिवासी दिवस तक नहीं मनाने देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी विरोध दिखाई देता है, इसलिए हो सकता है भाजपा को इस बयान पे भी आपत्ति हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि धर्म आस्था का विषय, अगर विधायक कह रहे हैं कि भगवान शंकर आदिवासी वर्ग के ज्यादा करीब रहे तो ये बयान पूरी तरह ठीक है, और भगवान सभी के होते हैं और सभी की उनमें बराबर। चलिए, आप बयान ठीक बता रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि आप जो बीजेपी को लेकर कह रहे थे कि बीजेपी किसी और नजरिए से आपत्ति उठा सकती है, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन तो लीजिए सर। पंकज जी जुड़े हुए हैं, पंकज जी कह रहे हैं कि कोई गलत नहीं है, इसमें क्या गलत है भाई? पंकज जी भी कह रहे हैं यही बात, क्यों पंकज जी? मैंने यही आग्रह किया, और जहां तक कांग्रेस की समझ का विषय, तो कांग्रेस क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान में हमारे आदिवासी बंधु और भगनियों के लिए जनजाति वर्ग का उल्लेख है, और मैंने जनजाति शब्द का प्रयोग किया। यदि कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करना है, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द पर आपत्ति है। अनुसूचित जाति जनजाति शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में उल्लेखित है, सरकार की प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर उसको जनजाति कहते हैं तो कांग्रेस उस पर आपत्ति है, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं? जहां तक भगवान श्री शिवशंकर का विषय है, तो मैंने बहुत स्पष्ट किया कि प्रभु श्री शिवशंकर आदि से अंत और अंत से अनंत तक है, और ये राजनीति का विषय नहीं, विशेषकर कांग्रेस जैसे लोगों के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको क्या समझ जाएगा। मैंने तो खुद ही कहा पुनीत जी कि जनजाति वर्ग के सबसे बड़े देवता का नाम है बड़ा महादेव, यानी भगवान शिवशंकर। और सच में हमारे जनजाति वर्ग के बंधु भगनी बहुत भोले वाले होते हैं, जिनको कांग्रेस के लोगों ने बरसों ठगा, पर पैसा इसके प्रावधान लागू नहीं। ठीक ठीक, मैं समझ गया अब यही बात की, ये बयान कहां तक पहुंचने वाला है और इस पर किस किस प्रकार से व्याख्या होने वाली है, ये हमारे दोनों सम्मानित नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी कांग्रेस से, उन्होंने बताया। चलिए।